अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद हारिस नदीम और आर्ट्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछ रहे थे। आर्ट्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ही के स्टूडेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे और इसके अलावा भी जो है वो कमेंट्स वगैरह में काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो मैं ज़ाहिर है सबका एक साथ जवाब या फर्दन भी जवाब नहीं दे सकता इसकी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि तमाम गेस्ट पेपर्स जो हैं वो ये ग्रुप है फेसबुक का, सर हारिस नदीम के नाम से लिखें, सर हारिस नदीम BSEK BIAK लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची लिखेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। उसके अलावा जो है वो जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो कि मुझसे ये पूछ रहे थे कि पेपर पैटर्न में उनको प्रॉब्लम आ रहा है कि उनको पेपर पैटर्न जो है वो सही से मिल नहीं रहा। साइंस के स्टूडेंट्स को तो फिर भी मिल गया है लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर पैटर्न नहीं मिल रहा या उनको कन्फ्यूजन हो रही है कि तैयारी किस तरह से की जाएगी। तो अव्वल तो ये खैर कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ तो उसमें ये भी बताता रहूँगा आप लोगों का आइंदा भी इंशाल्लाह कि किस किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और उसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट का नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा तो आप उसको देख लीजिए, तो तमाम पेपर जो पैटर्न होंगे वो आपको मिल जाएंगे देखें इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ये साइंस के अलावा आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, कॉमर्स के लिए भी है, बॉटनी जूलॉजी वगैरह वगैरह। और नीचे देख सकते हैं आप सिविक्स और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के एजुकेशन वगैरह, तो आपको उनके भी तमाम के जो है वो पेपर पैटर्न यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ तो आप इसका जो है वो इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा मैं गेस्ट पेपर जो है वो मुख्तलिफ डाल चुका हूँ तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी का कोई क्वेश्चन होता है तो फिर आप लोग जो है ना वो इस वीडियो के कमेंट में जाकर जो है वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैं मतलब कोशिश करके, मेरी कोशिश तो मेरी पूरी ये होगी कि मैं वक्त पर आपको जवाब दूँ, लेकिन अगर नहीं भी दे सका तो थोड़े दिनों के बाद मैं इंशाल्लाह फ्री हो जाऊँगा। तो तकरीबन ये समझ लीजिए कि जून के मिड में तब यानी जब पेपर शुरू होने वाले होंगे तब तक तो मैं फ्री हो जाऊंगा तो आप लोगों को मैं एडवाइसेस दे दिया करूंगा तो पेपर के हवाले से ना, जो भी फाइनल गाइडेंस जो होगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।